स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर फ्रॉम शिवम एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ, राइट? हमारे जो दिन में डेली लाइफ एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें हैं जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट? तो आज हम उसी टाइप के एक पैटर्न की बात करने वाले हैं। ये जो पैटर्न होता कैसे है, इस पैटर्न को कैलकुलेशन कैसा होता है, वो देखने वाले हैं। अगर आप देखें तो कभी बचपन में, अगर आप केजी स्टैंडर्ड में या जूनियर केजी में आपने एक गेम खेला होगा कुछ अरेंजमेंट का, राइट? ऐसा बोल वाला, एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं, फिर इसके बीच में एक ये होता है, राइट? नहीं तो फिर अगर आपने ऐसा किया होगा, फिर इसके ऊपर ये दूसरा चौक जाता है, फिर उसके बाद दूसरा बार, फिर उसके बाद नहीं, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते हैं या तो फिर सर्कल के ऊपर सर्कल रखते हैं, आपको दे दिया जाता है और आप उसमें से ये जो डंडी है उसमें आप एक एक करके डालते जाते हैं, राइट? ये देखिए, आपने सबसे नीचे वाला जो है बड़ा होता है, उससे बराबर एक छोटा, उससे छोटा थोड़ा सा होता है, उससे छोटा इस तरह का होता है। हमारे नेचर भी कई पैटर्न फॉलो करता है। और अगर आप एग्जाम्पल देखिए, हनीकॉम ले लीजिए, बराबर, और दूसरी बात अगर आप मकई है ना मेज, उसमें देखिए कैसा अरेंजमेंट है, नीचे देखिए वो ज्यादा अरेंजमेंट है, फिर जैसे 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 छोटा होते जा रहा है, बराबर है। और दूसरी बात अगर आपने सनफ्लावर्स देखो, सनफ्लावर के पैटर्न्स के अरेंजमेंट देखिए, राइट, किस तरह पैटर्न्स उसके अरेंजमेंट रखे हैं, तो ये नेचर भी इसी तरह कुछ पैटर्न्स फॉलो करता है। अगर हम डे टू डे लाइफ देखें तो ये देखिए, ये जो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे जो है वो ये चौड़ा होगा, मतलब इट विल, द विड्थ विल बी बिगर, राइट? जैसे 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 वो स्मॉल होते जाता है, नैरो होते जाता है, राइट? तो अगर आप देखिए तो इसका जो विड्थ अगर है, उसका जो डिक्रीज रेशियो है, परसेंटेज, वो सेम इक्वल होगा, राइट? तो यही जो पैटर्न है ये फॉलो होता है इस तरह सीढ़ी बनाने में। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी तरह का एक पैटर्न पढ़ने वाले हैं जिसमें द सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर to the preceding term, right? For example, ले लीजिए, ये ले लीजिए 1, 2, 3, 4। Second number में देखिए 100, 70, 40, 10। तीसरे में -3, -2, -1, 0। और fourth में 3, 3, 3, 3, right? तो ये अगर आप देखें तो पहले वाले में देखिए 1, 2, 3, 4, राइट? ये दोनों के बीच में जो जो गैप है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे जो नंबर्स हैं, बरोबर, इन लोगों को हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म बोलेंगे, TERM, टर्म, है मेरे? तो ये टर्म हम बोलेंगे कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। हम लोग नंबर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेकंड में देखिए 170 हैं, तो राइट, तो नंबर चेंजेस हो सकते हैं हर एक सीरीज में, तो देयरफॉर वी विल रीड एज टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, राइट? तो ये जो है, ये पैटर्न फर्स्ट वाले में अगर आप देखें तो 1 और 2 के बीच में जो है गैप जो है 1 का है, 3 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है 1 का है, 4 और 3 के बीच में, तो ये एक पैटर्न फॉलो करता है। तो जैसा डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा था, दिस सक्सीडिंग टर्म, राइट, आर ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, राइट? सो अगर दूसरे वाले में देखें 100, 100 में से 70, मतलब क्या किया, अगर आप माइनस करो तो कितने का गैप है, 30 का, 70 में से 40, तो 70 और 40 का डिफरेंस देखो तो 30, 40 नेक्स्ट 10 है, तो 10 और 40 के बीच में डिफरेंस देखो तो 30। अब मुझे बताइए, मैं अगर आपको ये पूछूं कि 10 के बाद वाला नंबर कौन सा आएगा, तो आप क्या करेंगे बताइए? तो आपको पता है कि ये जो है हमको अगर खाली क्या ऐड करना है, 30 का ऐड करेंगे, लेकिन 10 के बाद वाला लिखा है हमको माइनस करना है, राइट? तो अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा बताइए, दिस वी विल गेट एज 20, दैट इज -20, am I right? तो ये इस तरह का जो पैटर्न है वो हमको फॉलो करना है, 1, 2, 3, 4, 5। सपोज अब ये नंबर ले लेते हैं, जो पहला पैटर्न देखा ना हम लोग, 1 रखा हमने, बराबर, अब ये 1 के साथ 1 ऐड किया, देख लीजिए, द सक्सीडिंग नंबर इज ऑब्टेन बाय adding a fixed term to the preceding number. ये preceding number 1 था उसका, ये है देखिए 1, right? ध्यान देखिए, right? अब वापस देखिए, यहाँ पे अगर 3 लाना है तो preceding number कौन है 3 के लिए, this 2, right? लेकिन उसके साथ add मैं करूँगा वही fixed number, that is 1। वापस देखिए, ये जो 3 जो है
ये बनेगा प्रिसीडिंग नंबर और ये फिक्स नंबर जो है वो है। और फोर के लिए देखिए दिस इज द थिंग, फोर प्लस वन, राइट। तो दिस इज व्हाट द सक्सेडिंग टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स टर्म और फिक्स नंबर टू द प्रिसीडिंग टर्म। 170, 40, 10 में 30 माइनस हो रहा है, -3, -2, -1 में देखिए +1 ऐड हो रहा है, 3, 3, 3, 3 में देखो कुछ नहीं ऐड हो रहा है, मतलब 0 तो ऐड हो रहा है। तो ये एक चीज याद रखना कि एनीथिंग कैन बी एडेड, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन 0 कैन बी एडेड इन अ फॉर फॉर्मिंग ए पर्टिकुलर पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे जैसे बताया कि सारे जो नंबर्स है उसको क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है, राइट। इसको मैं लिखता हूँ ए प्लस डी, बरोबर। यहाँ पे देखिए ए प्लस 2d, यहाँ पे देखिए ए प्लस 3d, यहाँ पे देखिए ए प्लस 4d। अगर मैं इस तरह लिखूँ तो देखिए इसके दोनों के बीच में का जो ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा, राइट, दैट इज डी। ये दोनों के बीच में जो रहेगा वो भी सेम रहेगा, ये दोनों के बीच में सेम डिफरेंस रहेगा, ये दोनों के बीच में भी वही डी। ये जो डी जो है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, राइट, ए फोर माइनस जो भी है आप लीजिए जो है। तो अगर आप जनरल फॉर्म में देखेंगे तो an - an-1, जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, an माइनस उसका एक नंबर छोटा देते an-1, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है देन दैट सीरीज इज सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी नंबर अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है, ये इस तरह के पैटर्न को अगर फॉलो करता है तो हम इस नंबर्स को दे आर सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस सीरीज आर कॉल्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब नंबर्स में कुछ चीज है, जैसे अगर मैंने नंबर्स लिखा और उसमें डॉट 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 लिखा, मतलब इट इज इनफाइनाइट, am I right? इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जो लास्ट नंबर है वो हमें पता नहीं है, इट इज कंटिन्यू, तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 1 to 100, तो लास्ट नंबर आपको पता है 100, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, राइट। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसा पैटर्न होता है, राइट, हमारे नेचर कैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, कि ये पैटर्न्स कहाँ यूज होते हैं डेली एक्टिविटीज में, इस तरह हम लोगों ने अभी कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। चलो नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 5.1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ये रीजन बताना है, राइट। अब देख लीजिए, अब पहला नंबर का सम है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, राइट। पहला किलोमीटर कभी भी, राइट, 1 किलोमीटर के लिए जाओगे तो ₹15, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का कितना है 15, फिर उसके बाद एक एक किलोमीटर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ₹8 ऐड होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, फॉर फर्स्ट किलोमीटर का क्या है, 1 किलोमीटर का दैट इज ₹15, राइट। जब 1 + 1 किलोमीटर हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 15 + 8 कितना होगा, 23, बराबर। फिर उसके बाद अगर आप देखिए कि यहाँ पे 2 किलोमीटर हो गया, 2 + 1 मतलब ये 23 + 8 कितना हो जाएगा, 23, 22, 30, 31, फिर उसके बाद वापस 3 + 1, राइट, तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, दैट इज 31 + 8 दैट इज 39। तो अगर हम इसका पैटर्न देखें, राइट, सीरीज का, तो देखिए 15, 23, 31 और 39 इस तरह जाएगा, राइट। तो इट फॉलोस द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, राइट, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस जो है वो है 8, क्या है, यह, राइट। तो यहाँ पे लिखने का यह The common difference, between two consecutive terms, is
8. Therefore, it is said to be in arithmetic progression. Barabar, the series is said to be in arithmetic progression. I hope you understood, right? First kilometer ka 15, second kilometer ka kya ho gaya? 8 rupees add ho gaya, to 23 hua. Agla ek kilometer gaya to 23 plus 8. Agla ek kilometer gaya to 31 plus 8. Is tarah agar dekho to 8 ka addition ho raha hai. The succeeding number is obtained by adding a fixed number, that is 8, to the preceding number, right? So yeah, this is what it is called arithmetic progression. Now let's go to the question number 1 ka second sum. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Dekhiye kitna air hai wo dekhna padega. Air jab dekhte hain to volume hoga. Right, so abhi amount of air present in cylinder. So let the amount of air present in the cylinder is कुछ भी ले ले, right? क्या लेना है बोलिए. V ले सकते हैं, X ले सकते हैं, M ले सकते हैं, Y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, right? तो अगर सपोज ले लेते हैं हम लोग X. अब इसमें से 1/4 हम लोग को रिड्यूस करना है हर बार, right? तो on reducing, on removing, अब ये सेकेंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, right? ये सेकेंड स्टेज है रिमूविंग 1/4 ऑफ एयर. तो क्या हो जाएगा देखिए, x माइनस 1/4x, बरोबर 1/4x, जो x है उसका 1/4 रिमूव कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस x, दैट इज 3x/4, राइट? ये सेकंड स्टेज है. अब ये 3x/4 जो बनेगा वो हमारे वापस नेक्स्ट स्टेज के लिए आएगा. ऑन रिमूविंग 1/4 ऑफ प्रेजेंट एयर, एयर क्या हो जाएगा सर, अब देखिए 3x/4 ये हमारा प्रेजेंट एयर है, इसका 1/4 रिमूव करना है. ध्यान से देखना आप, राइट? ये आपको यहां आपको संभाल के लिखना है. ओके, तो 3x/4, अब ये क्या हो जाएगा, दैट इज 4 3x/4 माइनस 3x/16, एम आई राइट? अब इसका आप लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 16, दैट इज 12x - 3x/16, दैट इज क्या आएगा सर, 12x में से 3x क्या, तो 9x/16, am I right? ये हमारा थर्ड टर्म हुआ. अब फोर्थ टर्म इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसी में अगर हम लोग d फाइंड कर लेते हैं, d इज इक्वल टू सपोज a2 माइनस a1 करते हैं, दैट इज 3x/4 माइनस x, क्या आएगा सर, -x/4, am I right? LCM 4x लेंगे तो 3x - 4 - x. लेकिन अगर वापस दूसरा d करते हैं थर्ड और सेकंड का, दैट इज 9x, सॉरी दिस इज a3 - a2 करते हैं, दिस विल गिव 9x/16 माइनस 3x/4. अब देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 का एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9x - 12x/16, दैट इज -3x/16. देख लीजिए ये दोनों सेम नहीं है, राइट? तो यहाँ पे ये d1 लिखता हो तो ये d2 लिखता हो, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस difference
is not equal and hence the given series is not in AP. Okay, that is arithmetic progression. I hope you all understood. Right? आराम से करना, इसी तरह आपको माइनस प्लस करना है और आपका हो जाएगा. ओके सम, चलो नेक्स्ट वन का थर्ड सम. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. देखिए पहला मीटर के लिए 150 rupees, उसके बाद हर मीटर के लिए जब भी जैसे जैसे डिग करते जाएंगे 50 rupees ऐड होगा. तो लेट्स सी हाउ कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर राइट डिगिंग कितना है 150 रुपीस. तो ये हमारा होगा टर्म वन राइट, इसको ए वन लिखते हैं. अब कॉस्ट ऑफ एडिशनल राइट एक मीटर ऐड होगा एडिशनल वन मीटर क्या आएगा सर 150 प्लस 50 कितना आएगा 200 राइट दैट इज ए टू होगा. फिर कॉस्ट ऑफ एडिशनल वन मीटर क्या होगा 200 प्लस 50 दैट इज 250 राइट दैट इज ए थ्री राइट. ओके फिर उसके बाद ज्यादा ज्यादा चार लिखिए बराबर, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. तो 250 प्लस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 दैट इज ए फोर. नाउ कॉमन डिफरेंस डी वन इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन ऐसा रखते हैं कितना आएगा 200 माइनस 150 दैट इज 50. डी टू इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू कितना आएगा 250 माइनस 200 ये हो जाएगा 50. और D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 दैट इज 300 माइनस 250 क्या हो जाएगा दैट विल बी अनदर 50. तो यह D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 दैट इज द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल एंड हेंस द गिवन सीरीज इज इन ए पी दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके बस इतना लिखा है. लेट्स गो टू फोर्थ सम. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन का फोर. द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम राइट. अब वी जस्ट नीड टू चेक दैट वेदर दिस सिचुएशन फॉल्स अंडर arithmetic progression or not, or they make arithmetic progression or not, right? Let's check. Now, amount हमको pound करना है, P 10,000 rupees हर साल deposit होता है, R is rate of interest that is 8, N बराबर every year लिखा है, तो हम suppose 1 year का लेते हैं per year, फिर उसके बाद CI find करना है, और amount भी find करना है. Now, if you see compound interest, right? The amount ka formula, agar aapko yaad ho to, amount is equal to P1 plus R upon 100, right? Is to N. N is number of year, right? So, for first year, to kya ho jayega amount? A is equal to 10,000 ho jayega. बरोबर है ये 1 प्लस आर क्या हो जाएगा 8 अपॉन 100 और एन क्या हो जाएगा 1 बरोबर. अगर आप इसका फाइंड आउट करते हैं तो आप देख लीजिए 10,000 108 अपॉन 100
बराबर, दो जीरो का दो जीरो कट हो जाएगा, दैट इज 10,800, राइट। ये 10,800 को सपोज हम लेते हैं ए वन, राइट। नेक्स्ट फॉर द सेकेंड ईयर, राइट, तो ए इज इक्वल टू 10,000 वन प्लस 8/100, दैट इज 2। अब ये वही का वही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, राइट। 108/100, 108/100, राइट, टू टाइम आएगा, तो दो जीरो का दो जीरो ये कट हो जाएगा, दैट विल गिव 108/108, मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। फिर उसके बाद फॉर थर्ड ईयर, ए इज इक्वल टू 10,000 वन प्लस 8/100 3। इसका क्या आएगा अगर आप देखें तो, दो हंड्रेड तो कट हो जाएगा, बराबर। ये जो है आपको 125.97.1, राइट, ये आएगा। अगर हम लोग यार सपोज ये वन इज इक्वल टू 10,800, बराबर, ए टू इज इक्वल टू 11,664 और ए थ्री इज इक्वल टू 12597.12, therefore ए वन बाई ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू 11,664 माइनस 10,800 इक्वल टू क्या आएगा, बराबर, और एंड ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू 12597.12 माइनस 11,664 9,3.12, राइट, and hence we can say that the above situation does not make AP barabar, because D, the common difference is not equal. ये आपको रीजन लिखना पड़ता है, इसलिए आपको लिखना है, राइट। तो आपको इतना ही लिखना है, सॉरी मैम इतना आवाज वाला, तो आपको इतना ही रीजन लिखना है कि एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, राइट, द अबव सिचुएशन डज नॉट मेक एपी, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश्ड, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट। फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोस, राइट। तो ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, इसको रख के हमको क्या करना है, फोर टर्म्स करना है, राइट। अब अगर आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में जो कहा था, राइट, लेट्स सी ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 10, फर्स्ट वाला, एज वी नो दैट द फर्स्ट फोर टर्म्स
इन एपी आर, ये आपको फिक्स लिख देने का, राइट, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड ए प्लस थ्री डी, शैल वी डू, राइट। तो ए इज इक्वल टू 10 हो गया सर, ए प्लस डी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 दैट इज 20 सर, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 10, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 दैट इज 40, therefore the first four terms are 10 20 30 and 40, right, this is your answer, I hope बहुत इजी है, राइट। आप सेकंड नंबर खुद कर सकते हैं, लेकिन लेट्स डू इट, ए इज इक्वल टू माइनस टू, बी इज इक्वल टू जीरो, राइट। आपको सेम टू सेम लिखना है और फिर करना है, द फर्स्ट फोर टर्म्स ए पी आर, राइट, ए is equal to minus 2, a plus d is equal to minus 2 plus 0, क्या हो जाएगा, that is minus 2, a plus 2d is equal to, ये होगा minus 2 plus 2 into 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, that will also fetch you minus 2, a plus 3d is equal to minus 2 plus 3 into 0, ये भी क्या देगा आपको, that is minus 2, therefore the first four terms are minus 2 minus 2 minus 2 and minus 2, right, okay, so this is our second sum. Now क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला, राइट, मैंने पहले दो लाइन वही रखे हैं, ए इज इक्वल टू लेते हैं 4 एंड डी इज इक्वल टू माइनस 3, ए इज इक्वल टू 4 डी इज इक्वल टू माइनस 3, राइट। नाउ फर्स्ट टर्म तो हमने देख लिया, ए इज इक्वल टू वही का वही आएगा सर, दैट इज 4, बी ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस माइनस 3, ऐसा लिखने का, then you write down 4 minus 3 that is 1, right, फिर उसके बाद देखिए a plus 2d, right, ये लिखेंगे 4 plus 2 into minus 3 that you will get 4 minus 6, right, that is minus 2, फिर उसके बाद a plus 3d that is 4 plus 2 3 into माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 9 क्या आएगा माइनस 5, देयरफॉर द फर्स्ट फोर टर्म्स आर क्या है 4 1 माइनस 2 एंड माइनस 5, ओके, चल अब फोर्थ नंबर का देख लेते हैं, दिस इज थर्ड नंबर, राइट, ये भूलना नहीं, ओके, अब फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ, ए इज इक्वल टू क्या है माइनस 1 एंड डी इज इक्वल टू 1/2, राइट, चलो नाउ द फर्स्ट four terms, now the first four terms maybe are, चलो लिखें, a is equal to minus 1, okay, a plus d is equal to minus 1
प्लस वन अपॉन टू क्या आएगा, माइनस टू प्लस वन अपॉन टू दैट इज माइनस वन अपॉन टू राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये प्लस टू डी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू इंटू वन अपॉन टू राइट। तो यहाँ पे देखिए टू टू कट हो जाता है एंड दिस विल गिव माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा राइट। वैसे ही अगर आप देखें ये प्लस थ्री डी में थोड़ा चेंज आएगा, माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन अपॉन टू दैट विल मेक माइनस वन प्लस थ्री अपॉन टू दैट विल गिव माइनस ये माइनस टू प्लस थ्री अपॉन टू। देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ सो देट आपको एलसीएम का भी प्रैक्टिस हो जाए राइट। दैट विल गिव यू वन अपॉन टू देयर फॉर द फोर टर्म्स आर क्या ले हैं माइनस वन फिर माइनस वन अपॉन टू फिर जीरो फिर एंड क्या लिखने का वन अपॉन टू। ओके तो चार सम हो गया, अब आई थिंक लास्ट सम क्वेश्चन टू का बाकी है, लेट्स डू इट। माइनस वन पॉइंट टू फाइव और डी इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव राइट। कोई टेंशन नहीं करने का, आराम से करो, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू डालो आपका आंसर आ जाएगा। ओके लेट्स स्टार्ट। ए में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, जो दिया है वो लिखना है माइनस वन पॉइंट टू फाइव राइट। अब ए प्लस डी सेकेंड टर्म, चलो माइनस वन पॉइंट टू फाइव फिर प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस वन पॉइंट टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव राइट। दोनों माइनस है तो आपको ऐड ही करना है, दिस विल मेक माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो। ओके चलो ए प्लस टू डी दैट विल गिव माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस टू इंटू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू फाइव माइनस कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फिफ्टी दैट विल गिव यू माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव। फिर उसके बाद ए प्लस थ्री डी दैट इज माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस थ्री माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू फाइव, ये क्या हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव, माइनस जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव। लेकिन माइनस जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव और ये वन हो जाएगा दैट विल बिकम मेक माइनस टू राइट। देयरफॉर द फोर टर्म्स आर माइनस वन पॉइंट टू फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव एंड माइनस टू राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, आई होप यू ऑल गॉट इट, प्रैक्टिस करो खुद राइट। एक सम हर एक एक्सरसाइज का एक एक सम टू टू थ्री टाइम करो सो दैट आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री। अगर क्वेश्चन नंबर थ्री में देखेंगे ना तो ऑलरेडी दे हैव रिटन दैट फॉर द फॉलोइंग एपीस, मतलब जो सम्स दिए है ना चारों चार ये एपीस है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सीरीज वाला बराबर। तो हमको सिर्फ उसमें से फर्स्ट टर्म ढूंढना है दैट इज ए और कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, और डी का फॉर्मूला आपको मालूम है डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, कुछ भी ले लो बराबर, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, आपको जो लेना है ले सकते हैं राइट। तो लेट्स, बहुत इजी है और फर्स्ट टर्म तो मेरे ख्याल से आपका आधा मार्क तो फिक्स है, पहला नंबर जो है वो फर्स्ट टर्म होता है बराबर। तो ये तो आपका गलत हो ही नहीं सकता है, तो लिख दीजिए यहाँ पे यार ए इज इक्वल टू थ्री खत्म, और डी इज इक्वल टू लिख दीजिए वन माइनस दैट इज ऐसा लिखिए ए टू माइनस ए वन दैट इज वन माइनस थ्री क्या हो जाएगा माइनस टू, बस आपका आंसर।
वैसे अगर आप देखें यहां पे सेकंड नंबर में यर ए इज इक्वल टू -5 बराबर, डी इज इक्वल टू a2 - a1 ऐसे ही पता है। अगर आप a2 - a1 नहीं लिखना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट सम करते हैं, अगर टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन जैसा, तो भी ठीक है। ओके, तो देर इज नो फिक्स वे और मेथड टू राइट डाउन ऐसा, जो अगर आप ये सही है तो ये भी सही है, वो भी सही है। तो -1 - -5 देखो यहां जरा ध्यान रखना, दिस विल बिकम -1 + 5 दैट विल गिव यू +4। ओके, तो डी क्या है +4। अब यहां देखें, हियर ये इज इक्वल टू 1/3 राइट, एंड डी इज इक्वल टू क्या आएगा, a2 - a1 दैट इज 5/3 -1/3। एलसीएम सेम है सर, तो आपको खाली 3 नीचे रखिए, 5 - 1 दैट इज 4/3 राइट। चलो फोर्थ नंबर का देखिए, ये इज इक्वल टू 0.6, डी इज इक्वल टू a2 - a1 राइट, और ये मिलेगा आपको 1.7 माइनस 0.6 क्या आएगा बताइए, दैट इज 1.1 बराबर, आपका ये आंसर। ओके, तो ये सम बहुत इजी था। अगर आपको पूछ जाए तो ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों का 2 एग्जाम होने वाले हैं, तो ये जो ऐसे सम से ये आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको ये बार ये देखना है कि जो गिवन सीरीज है तो उसमें से कौन सा फॉर्म करता है एपी राइट। तो इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 more terms। ओके, हमको 3 more term है राइट। लेट्स सी नाउ, वी हैव a2 - a1 दैट इज 4 - 2 क्या आएगा 2, a3 - a2 दैट इज 8 - 4 क्या आएगा 4, और a4 - a3 दैट इज 16 - 8 क्या आएगा 8। यार लिख दीजिए, यार ak+1 - ak दैट इज कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बराबर, इज नॉट द सेम एवरी टाइम राइट, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म ए पी। देखिए, इफ दे फॉर्म एन ए पी देन ओनली यू टू मूव फॉरवर्ड फॉर कॉमन डिफरेंस राइट। अब यहां पर ए पी फॉर्म ही नहीं करता है तो फिर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपको खाली इतना ही लिखना है। ओके, नाउ नंबर 2, 5/2 3 7/2 .. राइट, वी हैव, ये पेन चेंज कर लेते हैं, वी हैव a2 - a1 दैट इज 5/2 - 2 कितना आएगा 5 - 4 मतलब 1/2 बराबर, a3 - a2 दैट इज 3 - 5/2 दैट इज क्या आएगा 6 - 5 राइट, दैट इज 1/2। ओके, नाउ a4 - a3 वापस देखिए, 7/2 - 3 दैट इज 1/2 राइट। तो यार ak+1 - ak दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम ऐसा लिखने का बराबर, देयरफॉर इट फॉर्म्स ए पी
एपी, राइट, ये एक आंसर सर को बताओ। फिर उसके बाद डी फाइंड करना है, तो डी यार डी इज इक्वल टू आ गया था क्या है 1/2, क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुका है। दी नेक्स्ट दी अदर दी थ्री टर्म्स दी फर्दर थ्री टर्म्स आर, अब देखो ये क्या कर रहा है, लास्ट वन क्या है 7/2 7/2 + 1/2 कर दो, क्या आएगा 8/2, दैट इज 4, राइट। अब वैसे ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट है 4 + 1/2, ये आ गया आंसर, ये क्या आ जाएगा 8 + 1, दैट इज 9/2, दैट फॉर, अच्छा 9/2 हो गया। फिर उसके बाद राइट यहाँ पे भी वापस 9/2 + 1/2, दैट इज 10/2, दैट इज क्या आएगा 5, राइट। देयरफॉर दी थ्री टर्म्स कौन से हैं, 4 9/2, फिर उसके बाद 5, ओके। चलो वी हैव a2 - a1, दैट इज -3.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2, दैट इज कितना हो जाएगा 0, और ये -2, बराबर। a3 - a2 ये क्या हो जाएगा -5.2, माइनस माइनस -3.2, ये प्लस हो जाएगा, दैट इज वापस क्या आ जाएगा ये -2, ये 4 - a3, दैट इज -7.2, माइनस माइनस 5.2, वापस ये आ जाएगा -2, देयरफॉर या ak + 1 - ak, यार ak + 1 - ak इज द सेम एवरी टाइम, and hence it forms AP, बराबर ये लिख रहा है। D क्या है यार, D is equal to same -2, एक दूसरा देखो, आपने दो आंसर तो लिख दिया, अब द थ्री टर्म्स द नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आएगा देखिए, माइनस सबसे पहले क्या -7.2 है, -7.2 + -2, राइट, ये -2 को प्लस करते जाएगा, दैट विल गिव यू -9.2, बराबर। फिर उसके बाद -9.2 + -2 कितना आएगा -11.2, फिर उसके बाद -11.2 + -2, दैट विल गिव यू -13.2, दैट फॉर द टर्म्स आर लिखने का -9.2 - 11.2 and -13.2, ओके। चलो अब फोर्थ वाला ट्राई करते हैं, यही जगह पे वी हैव, राइट, वी हैव a2 - a1, क्या आएगा -6 + 10, देखो क्या हो जाएगा -6 + 10 है, मतलब बड़ा नंबर कौन सा है +10 है, तो आपको आएगा 4, राइट। a3 - a2 ये क्या हो जाएगा -2 + 6, क्यों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखना फॉर्मूला तो वही है a3 - a2, तो ये भी आएगा 4, बराबर। और देयरफॉर a4 - a3 ये भी वही आएगा 2 - तो दैट इज +2, 4, राइट सर। नाउ देयरफॉर यार
डी इज इक्वल टू क्या है फोर इज सेम एवरी टाइम हेंस इट फॉर्म्स ए पी बराबर यहाँ पे डी इज इक्वल टू फोर लिख दो या तो ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम ऐसा भी लिखो राइट ये चलेगा नाउ देयरफॉर द थ्री टर्म्स आर क्या होगा अभी प्लस करते जाना है राइट पहला वाला लास्ट वाला क्या है टू प्लस फोर क्या हो जाएगा सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन 10 plus 4, 14. Therefore, the terms are 6, 10 and 14. Okay, चलो तो हमारा फोर्थ सम भी हो गया. Now let's move to question 5, 5th and 6th. 5th and 6th में अगर हम देखें ना तो वापस we have लिखना है, right? A2 minus A1, that is 3 plus root 2 minus 3. तो क्या आएगा? Root 2 आएगा. Obviously, A3 minus A2, right? ये अगर करें तो 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2. तो क्या हो जाएगा वापस? देखिए, ये root 2 minus root 2 क्या हो जाएगा? Root 2 आएगा, right? फिर वापस ए फोर माइनस ए थ्री करेंगे तो थ्री प्लस थ्री रूट टू माइनस थ्री माइनस टू रूट टू वापस आएगा रूट टू राइट तो आपको यहाँ पे यार डी इज इक्वल टू रूट टू राइट एंड यहाँ पर लेने का एस द डी इज सेम राइट दे फॉर्म AP, right? Therefore, the other next three terms क्या होगा अभी 3 plus 3 root 2 plus root 2 क्या हो जाएगा 3 plus 4 root 2 3 plus 4 root 2 plus root 2 क्या हो जाएगा 3 plus 5 root 2 3 plus 5 root 2 प्लस रूट टू क्या होगा थ्री प्लस सिक्स रूट टू ये आपका नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी हो गया आई होप यू गॉट इट ओके सो इजी है आप डायरेक्ट डी इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं या तो फिर ए के प्लस वन माइनस ए के इज इक्वल टू इस सेम ऐसा करके लिखना भी लिख सकते हैं ओके नाउ लेट्स डू सिक्स नंबर वी हैव A2 minus A1, 0.22 minus 0.2, क्या आएगा बताइए, that is 0.02, right, ये हो गया, अब A3 minus A2, ऐसा होगा तो देखिए, इसको यूँ अलग कर दीजिए, right, A3 minus A2 क्या हो जाएगा, 0.222, माइनस 0.22 फिर वापस देखिए ये क्या हो जाएगा 0.002 हो जाएगा राइट अब ये अलग हो गया देयरफॉर यर ए के प्लस वन माइनस ए के इज नॉट सेम राइट देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म लिख दीजिए Does not form AP. बस इतना ही इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है ओके अब एक काम करते हैं सेवंथ यही कर लेते हैं जीरो माइनस फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व डॉट ए टू माइनस ए वन क्या आएगा माइनस फोर माइनस जीरो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस फोर ही आएगा A3 minus A2 क्या होगा minus 8 plus 4 that is minus 4 A4 minus A3 क्या आएगा
माइनस 12 प्लस 8 वापस माइनस 4, यार ए के प्लस 1 माइनस ए के, ये जनरल फॉर्म है याद रखना आप लोग, इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम ऐसा लिखना है बराबर। देयरफॉर इट फॉर्म्स एपी, एक आंसर आपका हो गया ठीक है। अब नाउ अब क्या करना है, डी यार डी इज इक्वल टू आपको खाली आंसर लिखना है माइनस 4 राइट। द नेक्स्ट थ्री टर्म्स टर्म्स आर क्या आएगा, लास्ट वाला कौन सा था माइनस 12 माइनस 4 कितना होगा माइनस 16 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 4 माइनस 24 देयरफॉर इन टर्म्स आर माइनस 16 माइनस 20 माइनस 24 राइट हो गया राइट। तो माइनस 16 माइनस 20 माइनस 24 देखिए माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, जब भी अगर ऐसा दिया हो सारे टर्म सेम हो तो आप आंख बंद करके डी इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं राइट। फिर भी लेट्स सी ए टू माइनस ए वन क्या आएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा जीरो। ए थ्री माइनस ए वन क्या आएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 ये आएगा जीरो। देयरफॉर डी इज इक्वल टू जीरो लिख दो। द नेक्स्ट थ्री टर्म्स बस लिखते जाओ माइनस 1/2 माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2 बस राइट। तो आपको ये कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं जब आपको सेम नंबर दिया। ओके नाउ नाइन्थ वाला लेते हैं। वी हैव ए टू माइनस ए वन, थ्री माइनस वन क्या आएगा टू, ए थ्री माइनस ए वन, नाइन माइनस थ्री आए क्या आएगा सिक्स। देखिए टू आ रहा है सिक्स आ रहा है, फिर भी आपको करना है तो कर लीजिए ए फोर माइनस ए थ्री, 27 माइनस 9 दैट इज 18 देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म ए पी एस ए के प्लस 1 माइनस ए के इज नॉट सेम बस। यार वी हैव ए टू माइनस ए वन दैट इज टू ए माइनस ए, ए थ्री माइनस ए वन दैट इज थ्री ए माइनस टू ए दैट इज ए, एंड ए फोर माइनस ए थ्री फोर ए माइनस थ्री ए दैट इज ए, यार ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम ऐसा लिखने का every time right, and hence it forms AP बराबर। D क्या है, D तो आपको मालूम है A है लिख दीजिए, और three terms simple logic है देखिए A 2A 3A 4A तो क्या हो जाएगा 4A plus A that is 5A बराबर 5A 5A प्लस A कितना आएगा 6A और 6A प्लस A क्या आएगा 7A हो गया राइट। तो 5A 6A और 7A ठीक है बस इतना ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव A2 माइनस A1 दैट इज ये अलग रहेगा राइट। ए टू माइनस ए वन क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए, अब यहाँ पे सेम नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस वन ऐसा आएगा राइट। फिर के बाद देखे तो
a3 माइनस a2 दैट इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। देखिए तो ये बनेगा ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा और ये माइनस वन, यहाँ पे ए है यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे वापस a4 माइनस a1 में a3 में a4 माइनस ए क्यूब, अभी ये ए क्यूब बनेगा दैट इज ए माइनस वन सेम है लेकिन देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब अलग अलग आ रहा है, देयरफॉर यर ए के प्लस वन माइनस ए के इज नॉट सेम एवरी टाइम एंड हेंस इट डज नॉट फॉर्म ए पी, इतना लिख देने का बस आगे नहीं जाना है। राइट, सो दिस फोर सम्स वी हैव सॉल्व। ये 10 नंबर का अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वापस उसको अच्छी तरह बना के राइट लिख के दूंगा। वी हैव a2 माइनस a1 करते हैं दैट इज रूट 8 माइनस रूट 2, क्या हो जाएगा रूट 8 मतलब देखो 2 रूट 2 राइट, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या आएगा आंसर रूट 2 आएगा राइट। वैसे ही अगर हम देखें तो a3 माइनस a2 ये क्या होगा रूट 18 माइनस रूट 8, अगर आप यहाँ इसको ध्यान से रखो ना तो दिस विल गिव 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 दैट इज वापस रूट 2 राइट, और a4 माइनस a3 दैट इज रूट 32, रूट 32 माइनस रूट 18, इसको अगर देखें तो क्या आएगा 32 मतलब 16 2 32 मतलब 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 दैट इज वापस देखिए रूट 2, तो यार d इज इक्वल टू ए के प्लस वन माइनस ए के इज इक्वल टू रूट 2 ये बराबर है, देयरफॉर इट फॉर्म्स ए पी, therefore it forms AP. The next three terms क्या आएगा चलो देखते हैं, रूट 32 प्लस रूट 2, अभी हमने देखा था क्या देखा था रूट 32 मतलब 4 रूट 2 बराबर है, 4 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा 5 रूट 2, वैसे ही रूट 5 रूट 2 प्लस रूट 2 दैट इज 6 रूट 2 राइट, और 6 रूट 2 प्लस रूट 2 दैट इज 7 रूट 2। अब अगर आपको आंसर क्या है, अगर आपको आंसर नंबर्स में चाहिए तो भी ले सकते हैं, देखिए फाइव का फाइव जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए अभी जैसे बताता हूँ, 5 रूट 2 तो ये क्या है फाइव अंदर जाएगा तो बन जाएगा 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया रूट 50, ये अगर आपका आंसर चाहिए तो ये भी हो जाएगा बराबर, जैसे 6 रूट 2 का क्या करना है 36 हो जाएगा अंदर जाएगा तो 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा रूट 72 बराबर, और वैसे ही 7 रूट 2 का भी देखिए ये 7 अंदर जाएगा तो 49 हो जाएगा इंटू 2 क्या हो जाएगा 49 98 राइट, तो ये भी आपका आंसर है ये भी आपका आंसर है, यू कैन राइट और करके भी लिख सकते हैं तो भी जबर राइट ओके। नाउ नेक्स्ट 13 नंबर का सब राइट, वी हैव रूट 6 a2 माइनस a1 क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 रूट 6 माइनस रूट 3 राइट, ये रूट 6 माइनस रूट 3 का क्या आएगा बताइए, तो ये आएगा रूट 2 माइनस 1 एम आई राइट, क्योंकि रूट 3 कॉमन ले सकते हैं और ये बनेगा रूट 2 माइनस 1, लेकिन फिर अगर आप देखिए a3 माइनस a2 ये हो जाएगा रूट 9 माइनस रूट 6, लेकिन रूट 9 माइनस रूट 6 क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 6 राइट, दैट इज वापस देखिए रूट 3 बार आ जाएगा तो ये बन जाएगा रूट 3
माइनस रूट टू। अब ये अलग अलग हो रहे हैं तो लिख दीजिए यार ए के प्लस वन माइनस ए के इज नॉट सेम, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म ए पी, इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये सब अलग है, राइट। तो ये हमारा 13 नंबर का हो रहा है। नाउ लेट्स सी 14 एंड 15। वी हैव ए टू माइनस ए वन दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 8, ये 3 माइनस ए टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9 क्या आ जाएगा 16, ए फोर माइनस ए थ्री दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 25, 49 माइनस 25 कितना आएगा 24। ए के प्लस 1 माइनस ए के दैट इज डी बराबर इज नॉट सेम एवरी टाइम, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म ए पी। ओके, ये वाला सम हो गया। अब चलें नेक्स्ट सम, यर वी हैव ए टू माइनस ए वन दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्या आएगा 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24, राइट। ए थ्री माइनस ए टू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 24। फिर वापस देखिए ए फोर माइनस ए थ्री, यहाँ पे देखिए 73 माइनस 7 स्क्वायर 73 माइनस 49 बरोबर, वापस देखिए ये 24। यह ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम दैट इज डी इज सेम बरोबर, हेंस इट फॉर्म्स ए पी, बस इतना लिखना है आपके दो तीन, राइट। नाउ थ्री टर्म्स आर क्या करना है, अच्छा यहाँ पे डी इज इक्वल टू लिख देते हैं, डी इज इक्वल टू 24 ये लिख दिया। अब थ्री टर्म्स में क्या आएगा 73 प्लस 24 कितना आएगा 797, 97 प्लस 24 121, फिर उसके बाद 121 प्लस 24 कितना आएगा 145, राइट। देयरफॉर दे आर 97, 121 and 145. Okay. Okay, students. So now you have finished exercise 5.1. I hope आप लोगों का concept clear हुआ होगा, right? अगर आपको ये मेरा method पसंद आया तो please write in the comment box, right? So that हमको और कुछ अच्छी तरह से video प्रेजेंट करने में हमको मदद रूप रहेगा, राइट। इट कीप्स अस इंस्पायरिंग, ओके। एंड इफ यू लाइक्ड अवर मेथड प्लीज शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट इट ऑल द स्टूडेंट्स गेट द बेनिफिट ऑफ इट, ओके। एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू हैव नॉट, प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ अवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, हम एक्सरसाइज 5.2 के साथ आएंगे, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।